तीन दिन ओथ लेने के बाद जहां तक स्वेरिंग इन सेरेमनी चंपई सोरेन की हुई, हेमंत सोरेन सरकार के बाद अब यहां पे जो दो दिवसीय स्पेशल असेंबली सेशन है उसकी शुरुआत होने वाली है। और जितने 29 एमएलए है जिन्हें हैदराबाद भेजा गया था क्योंकि ऐसा डर का माहौल था कि खरीद फरोख्त हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है या उनकी सरकार गिर सकती है, तो उन्हें अब वापस रांची अब बुलाया जा रहा है। अब यहीं पर कांग्रेस और जेएमएम के जितने लेजिस्लेटर्स है उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि उनके पास नंबर्स है और उनकी सरकार ही बनेगी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलएगण सब एकजुट रहे, फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। द कोर्ट्स इंटरवीन्ड एंड रिमूव दोज डाउट्स। सीएम हैज बीन अलाउड टू वोट। वी हैड सफिशिएंट नंबर्स, क्वाइट कुशन्ड नंबर, इनफैक्ट मोर देन द मेजॉरिटी। पीपल हु आर एंग्री हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट it will be a mistake, it will be a mandate against the democracy, therefore we are all intact. We do not need to come. We came because BJP was still trying to break us, not by giving us money, not, it was not lucre money or some kind of greed. It was the fear, it was the threat of ED, CBI, income tax. It was unnecessary haunting of MLA's public representative. What they are trying to do, they are trying to break every opposition state. So one had to do this. You'll have to say it's a fight for constitution, it's a fight for democracy. अब रूलिंग कोअलिशन एमएलएस की बात कर लेते हैं। जो कुछ लोग उसमें से गायब थे, मिसिंग थे और हैदराबाद नहीं गए, अब वो सामने प्रकट हो गए। और सीनियर जेएमएम लीडर लोबिन हेब्रोम के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उनका ये कहना और मानना है कि हेमंत सोरेन को गलत एडवाइस दिया जा रहा है उन्हीं की पार्टी पर्सनल और मीडिया एडवाइजर्स की तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी लीडर्स की तरफ से। और जहां तक ये अलायंस के जो एमएलए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट जो कराया गया, इन्हें उससे भी आपत्ति है। ऑन हिज पार्ट participation in the floor test, however, Hebrom has said that he would support the Champai Soren government. क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है भाई, तो एक जगह रहना चाहिए ना, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक्री जाएगा। अब झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो ईडी की तरफ से हो चुकी है, लेकिन वो मौजूद रहेंगे असेंबली में। भी आपको जानकारी आपको दे देते हैं कि जब ये फ्लोर टेस्ट होगा, हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी और रांची के स्पेशल कोर्ट की तरफ से उनको ये परमिशन दे दी गई है, 5 दिन की रिमांड अभी भी ईडी की तरफ से बाकी है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि विधानसभा में हेवी सिक्योरिटी के बीच में हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अब सीधे तौर पे नंबर की गेम के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहां तक आंकड़ों की बात करें, जो अलायंस है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, उनके पास 45 एमएलए है, 81 मेंबर है झारखंड असेंबली, और इसी को सीपीआईएमएल के एक लेजिस्लेटर बाहर से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर पे अगर देखा जाए, यहां तक अगर हम बात करें जो मेजोरिटी मार्क का भी है 41 का, इससे ज्यादा एमएलए अभी चंपई सोरेन के पास है। लेकिन आखिरकार जो ये निर्णय लिया गया कि बाकी जितने एमएलए को हैदराबाद भेजा जाए, रांची से दूर भेजा जाए क्योंकि खरीद फरोख्त की बात हो सकती है, वहीं पर बीजेपी और उसकी एलआई एजी एसयू जो विपक्ष में फिलहाल बैठी हुई, उनकी तरफ से ये कहना है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है चंपई सोरेन की सरकार को गिराने में, वो अपना जितना बाकी का जो टर्म है उसे वो पूरा कर सकती है। बीजेपी काहे के लिए अस्थिर अस्थिर करेगा? अगर अस्थिर करना होता तो चंपई सोरेन कैसे ओथ ले लिए मुख्यमंत्री बन गए? वो अपना देखे, दूसरे पर क्यों गाली देते हैं? गए थे, उनको पता नहीं जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। यदि उनके पास संख्या बल है तो इस तरह से जो लोग हैदराबाद जा रहे हैं और इस तरह से राज्य का पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ दो वक्त का रोटी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा और वो इस तरह से जाकर हैदराबाद में जाकर ऐसमोच कर रहे हैं, तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय बिल्कुल नहीं। अपना बहुमत है, संख्या बल है, वो चलावें। डरने का इसमें क्या बात है? सरकार उनके पास है, पूरा पावर है, पूरा सब कुछ है उनके पास, इतना डर क्यों किस बात का? चलिए
सीधा प्रियंक के पास चलते हैं। प्रियंक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। आज का दिन उतना ही अहम होने वाला है जहां तक अगर झारखंड की बात करें, क्योंकि आज का दिन ही बताएगा कि चंपई सोरेन की जो सरकार है वो आगे पूरा अपना टर्म पूरा कर पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल अमिता, जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति पिछले एक हफ्ते में बदली है, और पिछले सोमवार की ही बात है जब सीएम दिल्ली से वहाँ से अचानक गायब हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आके उनकी गिरफ्तारी हुई और सरकार बदलने के बीच में एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो गई। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज 11 बजे के करीब, जो कि आज सेशन का पहला दिन है, तो राज्यपाल असेंबली में आएंगे, वहाँ पर संबोधित करेंगे वहाँ पर सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और उसके बाद वहाँ पे हेमंत सोरेन जो कि फिलहाल ईडी की हिरासत में है वो भी वहां पे मौजूद होंगे। सबसे मजेदार चीज ये है कि क्या आज जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि ये आंकड़े पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, जो 41 का मैजिकल फिगर है वो आखिरकार सदन में होता है कि नहीं होता है, इसको देख करके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वही सुरक्षा की दृष्टि से जो विधानसभा का इलाका है उसको पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी भी आज रांची में मौजूद है और वो अपनी न्याय यात्रा सुबह 10 से 11 बजे के शुरू करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें 12 बजे तक की इजाजत नहीं दी है, यानी 12 बजे के बाद से ही उस विधानसभा का जो धुरवा का इलाका है वहां पे न्याय यात्रा को जाने की इजाजत होगी। इसी को देख के आप समझ सकती हैं कि तकरीबन 12 बजे तक हेमंत सोरेन ईडी के मुख्यालय से विधानसभा भी चले जाएंगे, वहां पे वोटिंग भी हो जाएगी और वो वापस चले जाएंगे, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि चंपई सोरेन की सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं जेएमएम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके पास 41 से ज्यादा विधायक अभी फिलहाल मौजूद हैं। धन्यवाद आपका प्रियंक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज काफी जो चहल पहल है जो बनी रहेगी, क्योंकि विधानसभा में आज जो फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत है, वो चंपई सोरेन का होने वाला है। वो स्टेज विच इज ऑल सेट फॉर अ शो ऑफ स्ट्रेंथ इन झारखंड असेंबली। जी हाँ, यानी कि 3 दिन ओथ लेने के बाद जहां तक स्वेरिंग इन सेरेमनी चंपई सोरेन की हुई हेमंत सोरेन सरकार के बाद, अब यहां पे जो 2 दिवसीय स्पेशल असेंबली सेशन है उसकी शुरुआत होने वाली है। और जितने 29 एमएलए है जिन्हें हैदराबाद भेजा गया था क्योंकि ऐसा डर का माहौल था कि खरीद फरोख्त हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है या उनकी सरकार गिर सकती है, तो उन्हें अब वापस रांची अब बुलाया जा रहा है। अब यहीं पर कांग्रेस और जेएमएम के जितने लेजिस्लेटर्स है उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि उनके पास नंबर्स है और उनकी सरकार ही बनेगी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही, तमाम जो गठबंधन के एमएलए गण सब एकजुट रहे, फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। द कोर्ट्स इंटरवीन्ड एंड रिमूव दोज डाउट्स। सीएम हैज बीन अलाउड टू वोट, वी हैड सफिशिएंट नंबर्स, quite cushioned number, in fact more than the majority. Okay. People who are angry have also realized that it will be a mistake, it will be a mandate against the democracy, therefore we are all intact. We do not need to come. We came because BJP was still trying to break us, not by giving us money, not, it was not lucre money or some kind of greed. It was the fear, it was the threat of ED, CBI, income tax, it was unnecessary haunting of MLA's public representative. What they are trying to do, they are trying to break every opposition state. So one had to do this, you'll have to say it's a fight for constitution, it's a fight for democracy. अब रूलिंग कोअलिशन एमएलएस की बात कर लेते हैं, जो कुछ लोग उसमें से गायब थे, मिसिंग थे और हैदराबाद नहीं गए, अब वो सामने प्रकट हो गए। और सीनियर जेएमएम लीडर लोबिन हेब्रोम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये कहना और मानना है कि हेमंत सोरेन को गलत एडवाइस दिया जा रहा है उन्हीं की पार्टी पर्सनल और मीडिया एडवाइजर्स की तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी लीडर्स की तरफ से। और जहां तक ये अलायंस के जो एमएलए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट जो कराया गया, इन्हें उससे भी आपत्ति है। ऑन हिज participation in the floor test, however, Hebrom has said that he would support the Champai Soren government. क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है भाई, तो एक जगह रहना चाहिए ना, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा।